कान फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मों का मेला, जहां एक ही छत के नीचे दिखाई देते हैं दुनिया के तमाम बड़े सितारे। तकरीबन 12 दिन चलने वाले इस फेस्टिवल में जाने वाले तमाम सेलिब्रिटीज पर सबकी नजरें होती हैं। किसने क्या पहना, किसकी ज्वेलरी कैसी है, किसका मेकअप ज्यादा खूबसूरत है, किसके लुक ने मचाया बवाल, वगैरह वगैरह। इसीलिए यहाँ जाने के लिए सेलिब्रिटीज की तैयारियां भी जोरों पर रहती है। तो चलिए आज उस इंडियन सेलिब्रिटी की ड्रेसेस पर नजर डालते हैं जो कान फिल्म फेस्टिवल में तहलका मचा गई। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। ऐश्वर्या और उर्वशी तो कई बार कान में जा चुके हैं, लेकिन जिसका डेब्यू था कान के रेड कार्पेट पर, वो थी कियारा आडवाणी। जी हाँ, सडनली कियारा आडवाणी का कद एकदम से बढ़ गया है। कुछ हिट फिल्में देते ही कियारा कहां से कहां पहुंच गई, सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर से सीधा कांस। कियारा बनी ब्लैक पिंक, नॉट द कोरियन के पॉप बैंड मेंबर, बट द प्रिंसेस इन द ब्लैक पिंक गाउन। जी हाँ, कियारा की रेड कार्पेट और गाला डिनर के लिए एक खास ड्रेस डिजाइन की गई है। कियारा का ये मरमिड फिट क्रोस्टेड गाउन इतना ब्यूटीफुल था दैट टू मेक द लुक स्टैंड आउट शी पेयर्ड द लुक विद सेमी शेयर ग्लोब्स, और उनके साथ उन्होंने बालों में बनाया था स्लिक बन, जिसकी वजह से वो और स्टाइलिश लग रही थी। उनकी बोल्ड आईज और न्यूड पिंक शेड लिपस्टिक ने वो काम किया जो कोई मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं कर सकती। ये तो था कियारा का रेड कार्पेट का पहला लुक। अभी तो बहुत सारे लुक्स बाकी हैं भाई, इतने दूर गई है, जब तक दो चार लुक्स सामने नहीं आएंगे तब तक कैसे चलेगा। कियारा अब बड़ी फैशन स्टार बन चुकी हैं। कांस में अपने पहले लुक में कियारा ने पहना टर्टल नेक वाला ऑरेंज फिटेड गाउन। इसके लिए भी कियारा ने अपने बाल बांधे हुए थे और कानों में पहना था गोल्डन इयररिंग्स। कियारा के इस लुक ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनके इस लुक के लिए फैंस का रिएक्शन भी काफी पॉजिटिव रहा। कियारा का करियर ग्राफ आजकल तेजी से ऊपर ही जा रहा है। इस बीच कान में डेब्यू करना उनके फैंस और खुद उनके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। वेल, अब देखिए कियारा का तीसरा लुक, इनफैक्ट ये है कियारा का फर्स्ट अपीयरेंस और सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत। फेस्टिवल डे कांस के लिए कियारा ने सबसे पहले पहना प्रबल गुरुंग का डिजाइन किया हुआ आइवरी गाउन। ये इतना खूबसूरत था कि द होल इंटरनेट फेल इन लव विथ हर। इस गाउन के साथ कियारा ने स्ट्राइकिंग एक्सेसरीज क्लब की थी, इंक्लूडिंग पर्ल इयररिंग्स, अ गोल्ड ब्रेसलेट, अ सिल्वर गोल्ड रिंग एंड व्हाइट पम्प्स। वन स्लीव्स गाउन के साथ स्टेटमेंट पर्ल इयररिंग्स स्टोल द शो। कियारा का ये पूरा लुक एक फोटो शूट के लिए था, लेकिन रेड कार्पेट पे आने से पहले करवाया था। फिल्म स्टार के साथ साथ कियारा लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इसी के लिए कियारा ने एक खास फोटो शूट करवाया था जो इनका ऑफिशियल फोटो शूट था कांस पर, जिसके लिए ड्रेस खास उनके लिए बनवाई गई थी। वाओ, ये गाउन तो वाकई में काफी ब्यूटीफुल था। रेड कार्पेट का लुक भी काफी अच्छा था, वो ब्लैक एंड पिंक वाला। हालांकि उनका ऑरेंज गाउन हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, पर उस गाउन की तारीफ हो रही है तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अब देखिए कियारा का एक और लुक। कियारा का ये लुक फेस्टिवल डे कांस में जाने से पहले का है, जब एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई तो ये लुक देखकर भी लोग स्टंड रह गए। जब कांस जाने से पहले कियारा का ये हाल है, तो वहां पर जाने के बाद तो बवाल मचना ही था। कियारा ने व्हाइट स्वेटर के साथ व्हाइट ट्राउजर्स को क्लब किया था। अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने बेज ओवरकोट से स्टाइल किया था, साथ में लाइट ब्राउन हैंडबैग भी लिया था। यानी कि कान में जाने से पहले ही मुंबई से ही कियारा का जलवा शुरू हो चुका था। बाकी कान में उनके लुक ने कितना धमाल मचाए, ये सब तो हमने आपको पहले ही दिखा दिया। तो कियारा की ये जो चार लुक थे, इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।